वेव ऑप्टिक्स में जो पहला टॉपिक है जो आज स्टार्ट होगा वो है हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस। तो हाइगन्स प्रिंसिपल स्टार्ट करने से भी पहले एक चीज़ समझ लें, जब लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और मान लो ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा तेज स्पीड होती है 3×10^8, और किसी और मीडियम में जाके स्पीड स्लो हो जाती है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। और ऑप्टिक्स में दो ही चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जाती हैं, वो है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। रिफ्रैक्शन का पहला लॉ ये है, व्हेन अ लाइट रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड जब डेंसर टू रेयरर जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ऐसी सेकेंड लॉ के अंदर, अगर आपके पास मान लो रे ऑफ लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लो ये नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट आई और ऐसे बेंड हो गई, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और रिफ्रैक्शन आर, तो अगर मैं साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर करूं तो इसकी रेशियो मुझे क्या देगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, ये पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं, और ऐसी रिफ्लेक्शन के भी दो लॉज हैं। रिफ्लेक्शन का, चलो रिफ्लेक्शन का जो मेन लॉ वो तो यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में एक्ट करते हैं। तो म्यू की डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होनी चाहिए। इट इज़ डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है वेव फ्रंट।